और आपको बता दें कि बुशरा बीबी बनी गाला पहुंच गई हैं अडियाला जेल से। हमारे नुमाइंदे भी वहीं पर मौजूद है, फहाद चौधरी, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। फहाद चौधरी, बताइएगा, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, यकीनी तौर पर माहौल आप गर्म देख रहे होंगे, सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा और क्या डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं। जी देखिए, बुशरा बीबी को रिहाई के बाद जो है वो बनीगाला पहुंच गई हैं और गाड़ियों के एक तवील काफिले में उन्हें बनीगाला पहुंचाया गया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब भी उनके हमराह थे और अब इस वक्त वो अपनी रिहाइशगाह पहुंच चुकी हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं यहाँ पर। साथ ही उनका इस्तकबाल करने के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान की भी एक काबिल ज़िक्र तादाद यहाँ पर मौजूद है, नारेबाजी की जा रही है। और आज बुशरा बीबी की रोपकार जारी होने के बाद उन्हें कुछ देर कबल अडियाला जेल से रिहा किया गया था, जमानत पर रिहाई मिली है और तोशाखाना 2 केस जो है उसमें अदालत की जानिब से जमानत मिलने के बाद आज उनकी रोपकार जारी होने पर रिहाई हुई और अब से कुछ देर पहले वो बनीगाला पहुंच गई हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि गाड़ियों का एक तवील काफिला था जिसमें उनको बनीगाला तक लाया गया और उमर अयूब की गाड़ी भी उनके हमराह थी, वो खुद भी उनके साथ थे और इस वक्त वो बनीगाला अपनी रिहाइशगाह पहुँच चुकी हैं। पार्टी के कुछ रहनुमा भी उनसे मुलाकात के लिए यहाँ पहुँचे हैं जबकि कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद बनीगाला में उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है और यहाँ पर जो है कारकुनान नारेबाजी भी कर रहे हैं और उनका इस्तकबाल भी यहाँ पर फूलों की पत्तियाँ निशावर करके किया गया। ठीक है, फहाद चौधरी बता रहे हैं कि काबिल जिक्र तादाद वहाँ पर कारकुनान की मौजूद है, उनका इस्तकबाल करने के लिए बुशरा बीबी यहाँ पर पहुँच रही है। बहुत शुक्रिया इस हवाले से, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।